देखो भाई, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। तो जनरेशन में क्या होते हैं, अल्टरनेटर लगे रहते हैं, तुम्हारे अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उसको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है बाई यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा क्या किया, स्टेप अप अल्टरनेटर से जो जनरली जो उत्पादन होता है वो कितने केवी पे होता है, 11 केवी पे। वैसे अल्टरनेटर जो है वो उत्पादन कर सकती है 33 केवी तक, अप टू 33 केवी तक कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो किया जाता है वो 11 केवी पे उत्पादन किया जाता है। कभी कभी इसकी रेंज भी पूछ लेता है कि जो अल्टरनेटर उत्पादन केंद्रों पे वो कितना कितना वोल्टेज पैदा करते हैं। तो इसमें रेंज है, कौन कौन सी रेंज है बताओ, 660 केवी है और 11 केवी हो गया, एक हो गया 13.2 केवी, ये भी है 11 केवी और एक हो गया तुम्हारा 33 केवी, और ये मतलब जनरेशन वोल्टेज है। जनरेशन वोल्टेज की रेंज है, इसमें पैदा होता है, इसमें पैदा होता है, इसमें इसमें इस तरीके से पैदा होती है। तो 11 केवी पे जनरली पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी जो अल्टरनेटरों के द्वारा पैदा होती है, लेकिन आप तो मैक्सिमम 33 केवी तक कर सकते हो जनरली। 11 केवी वोल्टेज तो कम है, तुमने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो काफी हाई होता है, तो काफी हाई है ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो काफी हाई है, ठीक है। उसको किस तरीके से मतलब बनाया जा रहा है, बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्यों कर रहे हैं, लाइन लॉस वगैरह भी होता है वहां, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो 11 केवी पे उत्पादन हो रहा है उसको पहले स्टेप अप कर रहे हैं, फिर मतलब यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमरों को देंगे, इस तरीके से करेंगे। ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तो हो रहा होगा, तो इस तरीके से काम क्यों इतना बढ़ा रहे हैं, पहले स्टेप अप किया फिर वही उसको स्टेप डाउन किया फिर जाके कंज्यूमर को दे रहे हैं। जो 11 केवी पे जो हो रही है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को भेज दो, 11 केवी को डायरेक्टली भेज सकते हैं, 11 केवी से एक ही ट्रांसफॉर्मर लगेगा स्टेप डाउन, वहाँ से लगा के सीधा कंज्यूमर को दे देंगे। इतना काम क्यों बढ़ाया जा रहा है कि पहले मतलब स्टेप अप किया जा रहा है, फिर स्टेप डाउन कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं, फिर जाके मतलब कंज्यूमरों को दे रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं बताओ, सोचो। दूर दूर से लाइन आ रही, लाइन लॉस हो रही है, लाइन लॉसेस पे नहीं होंगे, वोल्टेज हाई करके बढ़ा रहे हैं, बताओ वोल्टेज हाई, लाइन लॉस हो रहे हैं, वोल्टेज हाई तक लाएंगे कैसे वहां से यहां तक। अच्छा, और दूसरा ये कल तुम्हें बताया था कि यहाँ पे उत्पादन कंपनी है, जनरेशन जो करती है, जनरेशन कंपनीज होती है हमारी। इसमें जनरेशन कंपनी कई प्रकार की है, एक प्राइवेट भी है तुम्हारी, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, और तुम्हारी प्राइवेट भी है। देखो इतनी जगह पे तुम्हारी वैकेंसी निकलती है, ये बताने का मेरा क्या है मतलब, तुम्हें हिंट देना, इतनी जगह पे तुम्हारी वैकेंसीज है आईटीआई वालों की। प्राइवेट में कौन कौन सी पावर है, रिलायंस पावर, अडानी पावर, टोरेंट पावर, ये टाटा पावर, बीएसईएस पावर, दुनिया भर की पावर है, तो वहाँ पे प्राइवेट वाली है ये वैकेंसीज। स्टेट गवर्नमेंट जॉब कहाँ निकलती है, तुम्हारी UPRUVNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसमें निकलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसमें निकलती है तुम्हारी, ठीक है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहाँ है फिर हमारी, इसमें NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHPC है, ठीक है, और कौन सी है, NPCIL है, NPCIL, तो ये थर्मल वाली है जो कोयले से पैदा होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पानी से जो पैदा होती है, ये है, ये जो जो नाविक से पैदा होती है फ्यूल, जो फ्यूल होता है एटॉमिक फ्यूल जो होता है उससे पैदा होती है, ये वो वाली है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनके मतलब क्या है, पावर प्लांट है, जगह जगह पे पावर प्लांट है, तो वहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर क्या हो रही है, स्टेप अप की जा रही है, स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, सब स्टेशन है,
सब स्टेशनों के बाद सीधा क्या हो रहा है, ये वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कंज्यूमर तक ही उपभोक्ताओं तक आ रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाइज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हें बताया, इसमें कौन कौन सी कंपनियां जो ये काम कर रही है ट्रांसमिशन का, बताओ ट्रांसमिशन के काम में, एक तो तुम्हारी पावर ग्रिड ही है, पावर ग्रिड करती है ये काम, और क्या करती है, स्टेट कंपनियां, स्टेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की है पावर ग्रिड, तो तुम जानती हो पीसीसीआईएल के नाम से निकलती है वैकेंसी, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, वो कौन सी हो गई तुम्हारी, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से निकलती है, यूपीपीसीएल दो में बांटती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूपीपीटीसीएल एक तो सुनी होगी तुमने, उत्तर प्रदेश यूपीपीटीसीएल उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस तरीके से, और एक डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी कंपनियां है तुम्हारी, डिवीजनल हो गई, और कौन कौन सी हो गई, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और कौन सी है केसो, और ये दुनिया भर की हम पश्चिमांचल, और ये इस तरीके से पूर्वांचल, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ऐसे ये तो यूपी की है, ऐसे ही हर एक राज्य में निकलती हैं, राजस्थान में देखो कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे अभी, तो राजस्थान में भी निकलती हैं, यूपी में भी है, हरियाणा में भी होंगी, उत्तराखंड में निकलती हैं, सब जगह पे स्टेट में निकलेगी अपनी निकालते हैं, तो इस तरीके से ये तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन को जो संभाल रही होंगी वो ट्रांसमिशन हो गई, और जो यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो संभाल रही होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली होगी, तो इस तरीके से ये वैकेंसियों का होता है। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया तुम्हें, तो पावर ग्रिड, अब यहाँ पे भी फिर वैकेंसी है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैकेंसीज हैं, प्राइवेट लोगों ने ही संभाल रखा है इसको, ज़्यादातर प्राइवेट लोगों में कौन सी है, टोरेंट पावर ही है तुम्हारी, टोरेंट पावर है, और स्टेट कंपनीज जो है, स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनी है उन्होंने भी संभाल रखा है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियों ने तुमने देखा होगा जेवीएनएल है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देख लो वितरण लग रहा है ना उसके सामने, और कौन सी हो गई, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये सब कैसी हैं वितरण कंपनियाँ, ये कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की जो वैकेंसी निकलती है वो इस प्रकार से निकलती है, इतने डिपार्टमेंट में देख लो, आईटीआई की इलेक्ट्रिकल से जो वैकेंसी है वो इतनी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, प्राइवेट में टोरेंट पावर ही नहीं है, और भी कई पावर है, टाटा पावर है, बीएससीएस पावर है, तीन तरीके की पावर, मतलब तीन तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं दिल्ली में जाओगे तो बीएससीएस पावर है, टाटा पावर है, रिलायंस पावर है, दुनिया भर की ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वहाँ पे तीन तीन चार चार कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रही है, यहाँ तो आगरा में टोरेंट पावर ही कर रही है, तो इस तरीके से ये हो गई तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, हमारा जो मैं पूछ रहा था तुमसे, ये पूछ रहा था कि अल्टरनेटर से स्टेप अप क्यों किया जा रहा है वोल्टेज, भाई हम किसी चीज़ को पहले फाड़ रहे हैं सी रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं हम अल्टरनेटर से, क्या है पहले स्टेप अप कर रहे हैं, फिर स्टेप अप करके फिर स्टेप डाउन कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 11 केवी से ही, भाई तुमने देखा होगा 11 से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं डीटीसी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेंटर उन्हें कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं 11 केवी से सीधा क्या कर रहे हैं 440 में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो 11 केवी का एक ही ट्रांसफार्मर लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो ऐसा क्यों कि मतलब इतना स्टेप अप किया, फिर ट्रांसमिशन टावर इतने कॉस्टली बड़े बड़े बनाए, फिर ये ट्रांसफार्मर भी लगाने पड़े होंगे, फिर बहुत सारे ट्रांसफार्मर ये सब स्टेशन यहाँ पे आ रहे होंगे, ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसीलिए किया गया, जो ये यहाँ पे ये अल्टरनेटर होता है ये बल्क में पावर प्रोड्यूस करता है, कैसी पावर प्रोड्यूस करता है बल्क में, तो पावर इसकी जो रहती है वो वेरी हाई रहती है, पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये छोटे मोटे मतलब 5 किलोवाट का या 5 केवी इस तरीके का नहीं होता, ये जैसे तुम्हारे घर में जो जनरेटर होते हैं 5 केवी के या 5 किलोवाट के इस तरीके से जो जनरेटर होते हैं इस तरीके का नहीं होता, ये बहुत बल्क में पावर प्रोड्यूस करता है, बल्क में पावर प्रोड्यूस करेगा मेगावाट में, 500 मेगावाट का होगा, मेगावाट देख रहे 500 × 10^6 वॉट कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा ये, या 1000 मेगावाट का होगा, या इस तरीके से होता है 250 मेगावाट का होगा, 200 मेगावाट जितने का भी मतलब बनाया है, तो ये पावर बहुत ज़्यादा पैदा करता है,
अब होता क्या है, पावर का फॉर्मूला मोटी मोटी तौर से तुम देखो, पावर का फॉर्मूला मोटी मोटी तौर पे होता क्या है, हम कुछ भी ना देखें पावर फैक्टर को देखें नहीं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ना थ्री फेज कंसीडर करें तो वैसे मोटी मोटी तौर पे देखो P इक्वल टू VI होता है, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। अब तुम वोल्टेज क्या इतना है नहीं, वोल्टेज तो क्या रखी है, तो ये करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा भाई, तभी तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन पावर के बराबर आ पाएगा, ये तो चीज इतनी है नहीं, तो ये करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब ये इतना हाई करंट इससे फ्लो करेगा तो P इक्वल टू जो पावर लॉस होंगे हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इतनी पैदा होगी, एक तो करंट बहुत ज्यादा है और फिर करंट का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हीट बहुत ज्यादा पैदा होगी, उतनी हीट से हो सकता है ये मेल्ट पिघल जाए और वहीं की वहीं गिर जाए। एक तो यही है, हीट लॉस बहुत ज्यादा होंगे, हीट लॉस ज्यादा होंगे, और दूसरा क्या कारण आया, इतने हाई करंट को झेलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंडक्टर जो चालक है वो कैसा लगाना पड़ेगा, मोटा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हाई करंट को झेलने की शक्ति किसमें, मोटे में ही कंडक्टर में ही है, पतला कंडक्टर तो तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो एक तो क्या लेना पड़ेगा, थिक कंडक्टर लेना पड़ेगा, थिक कंडक्टर, अगर थिक कंडक्टर नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट अवे हो जाएगा, ये कब कर रहे हैं, जब अगर ये नहीं लगाया हमने, डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो करंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हीट लॉस जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा हीट लॉस ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन होगी भाई, एफिशिएंसी कम होगी कि नहीं होगी, दक्षता, और तुम्हारे जो कंडक्टर हैं वो कैसे होंगे, थिक, थिक कंडक्टर के होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ओवरऑल कॉस्ट, तो थिक कंडक्टर होने की वजह से लिख लेना, ओवरऑल कॉस्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट कैसे बढ़ गई भाई, एक तो बहुत मोटे मोटे कंडक्टर लेने पड़ेंगे, अब मोटे मोटे कंडक्टर को मतलब सस्पेंड करना है, मतलब लटकाना भी है, तो सस्पेंड करने के लिए जो हम इंसुलेटर लेंगे बहुत हैवी लेने पड़ेंगे, ठीक है, अब इतने कंडक्टर को मतलब साधने के लिए टावर जो है बहुत हैवी हैवी बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, इतना महंगा पड़ेगा कि पूछो मत, तुम तो यहाँ पे पैसा बचाना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ पे और ऐसे ऐसी हो गई, ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, पहले स्टेप अप कर लेते हैं, स्टेप अप करने से अब देखो क्या मतलब फायदा निकला, अब हमने जैसे ही स्टेप अप किया, देखना है, जैसे ही हमने क्या किया, स्टेप अप किया, स्टेप अप करने से वोल्टेज क्या है, P इक्वल टू VI होता नहीं होता, हम भाई क्योंकि पावर बहुत ज्यादा अल्टरनेटर की और वोल्टेज इतना है नहीं, तो करंट बहुत ज्यादा होने के कारण लॉसेज ज्यादा हो रही थी, अब हमने क्या करा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से क्या कर लिया, वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया, अब वोल्टेज को बढ़ा लिया तो करंट क्या हो जाएगा भाई, दोनों का गुणनफल होता है, पावर किसके होता है, दोनों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम, अब ये करंट कम हो जाने से हम थिन कंडक्टर्स मतलब जो कंडक्टर हैं वो पतले से ही काम चला लेंगे, पतले कंडक्टर होंगे तो पतले कंडक्टर होंगे तो टावर इतने मतलब हैवी नहीं लेने पड़ेंगे, टावर क्या बनेंगे, हल्के बनेंगे, दूसरा जो इंसुलेटर की कॉस्ट जो जाएगी वो भी क्या होंगे, हल्के होंगे, तो इससे हमारा कितना फायदा हो गया, देख लो जितनी जो कॉस्ट है, तुम कह रहे होंगे सब स्टेशन बनाने पड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर लेने पड़ रहे हैं, इनमें नहीं जाती उतनी कॉस्ट, इनमें चली जाती है, यहाँ पे थिक कंडक्टर लेने में और ये टावर है इनमें चली जाती है, इनमें नहीं जा पाती ट्रांसफार्मर लेने से, तो इसीलिए ये मतलब पहले क्या किया जाता है, अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको पहले क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप करने के बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, और ट्रांसमिशन के बाद फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये तुम्हें इस तरीके से ये समझ में आया भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, आर वाई भी 3 फेज हो गए, तो इसको ऑपरेट कौन करता है, रिले, रिले को सेंस कहाँ से मिलता है, सर करंट ट्रांसफार्मर से मिलता है, करंट ट्रांसफार्मर के बाद क्या होगा, रिले, रिले क्या करती है, इसके जो वो होते हैं इनको खोल देती है, जो कॉन्टैक्ट होती है इनको एकदम से खींच देती है, एक तो मूवेबल कॉन्टैक्ट होती है इसमें, एक कैसे कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट क्या रहता है, फिक्स, और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं, तो रिले पे जैसे ही करंट जाता है तो प्लंजर होता है रिले का, वो खींच लेता है इसके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को, रिले करंट कहाँ से सेंस करती है, इतना हाई करंट, सिटी से करंट ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं लाइन में, यहाँ पे लाइन में क्या लगे हुए हैं, करंट ट्रांसफार्मर, ऐसे करके क्या लगे रहते हैं, ये करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर से जैसे हाई करंट फ्लो करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, रिले पे, और रिले क्या करेगी, इसको रिले की जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होने से वो क्या करेगी, प्लंजर को खींच लेगी, ये खींच लिया तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया,
तो सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर कैसी डिवाइस है, ऑफ लोड डिवाइस। ऑफ लोड डिवाइस देखिए, आइसोलेटर कैसी डिवाइस है भाई, ऑफ लोड डिवाइस। और ये सर्किट ब्रेकर कैसी डिवाइस है, ऑन लोड डिवाइस। सर्किट ब्रेकर लिख लेना, ऑन लोड डिवाइस है, ऑन लोड डिवाइस। सर्किट ब्रेकर है, रिले देखी तुमने, और ये क्या देखिए, सीटी करंट ट्रांसफार्मर है। ये क्या चीज है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर किसको दे रही है, रिले को। रिले क्या चीज है और सर्किट ब्रेकर क्या चीज है, ये भी समझो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो रिले तो है, रिले लिखना, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही रहेगा, सेम तुम्हारे एग्जाम में, कि रिले क्या करती है, फॉल्ट को डिटेक्ट करती है। फॉल्ट को क्या करेगी, रिले डिटेक्ट करेगी, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस है। जैसे तुम्हें कोई पूछे कि फ्यूज कैसी डिवाइस है, तो फॉल्ट डिटेक्शन एज वेल एज करंट इंटरप्शन डिवाइस है। फ्यूज में ऐसा कुछ तो लगा नहीं है, तो फॉल्ट को क्या करता है, वो डिटेक्ट नहीं करता है कि हाई करंट फ्लो कर गया, ये तो फॉल्ट है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर गया। तो फॉल्ट को देखता भी है, और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद करंट को इंटरप्ट भी करता है। इंटरप्ट मतलब ब्रेक कर देगा, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसी को कहते हैं करंट इंटरप्शन। तो यहाँ पर करंट इंटरप्शन डिवाइस कौन लग रही है, सर्किट ब्रेकर। भाई करंट फ्लो कर रहा था, लगे हुए थे ये, और ये ऐसे हो गए, तो क्या हो गया, करंट इंटरप्ट हो गया कि नहीं। तो करंट इंटरप्शन डिवाइस कौन सी है इसमें, सर्किट ब्रेकर। और रिले क्या कर रही है, फॉल्ट को देख रही है, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब क्या चाहिए, उसको देख रही है कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ। फॉल्ट को डिटेक्शन, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस क्या, रिले। और सर्किट ब्रेकर कैसी डिवाइस है, करंट इंटरप्शन डिवाइस। और कोई तुम्हें फ्यूज का पूछ ले, अभी एग्जाम में आ जाए तुम्हारा, फ्यूज कैसी डिवाइस है, तो क्या बोलोगे, करंट इंटरप्शन एज वेल एज फॉल्ट डिटेक्शन। क्वेश्चन आएगा कि फ्यूज कैसी डिवाइस है, करंट इंटरप्शन डिवाइस है, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस है, दोनों प्रकार की डिवाइस है, या नन ऑफ दिस। तो क्या करोगे, दोनों प्रकार की। भाई फॉल्ट को डिटेक्ट भी किया उसने, और क्या किया, करंट को इंटरप्ट भी कर। यहाँ पे दो चीज लगी हुई है, सिटी का करंट जा रहा है किधर, रिले पे। रिले किसको दे रही है, सिग्नल। रिले की कॉइल है, रिले की कॉइल क्या हो रही है, मैग्नेट है, और ये इसको खींच रही है। तो यहाँ पे करंट इंटरप्ट कौन कर रहा है, सर्किट ब्रेकर। और रिले कैसी डिवाइस है, फॉल्ट को डिटेक्ट कर रही है। यूज कैसे सर, और यूज तो करंट इंटरप्शन और फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस है, दोनों प्रकार की। फ्यूज ये रिले है, कैसी डिवाइस हमारी, फॉल्ट डिटेक्शन, करंट डिटेक्टर, फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस, करंट डिटेक्शन तो नहीं बताई कुछ। और करंट को भी तो पता करेगी सर, वो ज्यादा हैवी करंट है। करंट इंटरप्शन तो ये है, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर है, करंट इंटरप्शन। करंट इंटरप्शन डिवाइस कौन सी है तुम्हारी, सर्किट ब्रेकर। और फ्यूज कैसी डिवाइस है, फॉल्ट डिटेक्शन ये क्वेश्चन तुम्हें किताबों में मिल जाएगी भाई, ये बताओ मेरे को, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो पुराने बच्चे जो दे रहे होंगे एग्जाम, उन्हें पता चल रही होगी कि हाँ यही क्वेश्चन आ रहे। और ये क्वेश्चन किताबों में तुम्हें मिलेंगे नहीं, कितना भी छान लिया ना इनको, थ्योरी में भी नहीं मिल रही, ठीक है। एक ही बार उन चीजों को समझो। तो ये देखो आइसोलेटर है, शटडाउन कर दिया या अपने आप शटडाउन हो गया। एक तो मतलब इसको क्या कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर से ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे तो क्या हो रहा है, ये अपने आप शटडाउन हो रहा है। लेकिन इसको मैनुअली भी कर सकते हैं हाथ से, बिल्कुल। किसकी तरह है ये सर्किट ब्रेकर, एमसीबी की तरह। जैसे एमसीबी क्या होती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे क्या हो जाती है, अपने आप ट्रिप हो जाती है। और उसको मैनुअली जब भी काम करना होता है, घर में मेंटेनेंस वर्क या कोई काम करना होता है, तो उसको मैनुअली हाथ से भी मतलब क्या कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, हम बंद कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ये सर्किट ब्रेकर है। और यहाँ पे ये कैसे डिवाइस है भाई, ये तो शट डाउन कर दिया, हो सकता है कोई मतलब ऑन कर दे उसे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये आइसोलेटर होता है, ऑफ लोड डिवाइस है। जब ये मतलब इसको सर्किट ब्रेकर के मतलब जो टर्मिनल है उनको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो इसको ऑफ कर देते हैं, ताकि इसको कोई ऑन भी कर दे तो यहाँ पे इधर जो लाइन पर कोई काम कर रहा है रोड साइड में, तो उसको विद्युत झटका ना लगे। ठीक है,
ठीक है, कैजुअलिटी कोई नहीं हो, इसीलिए क्या कर देते हैं इसको खोल देते हैं। तो ये कैसी डिवाइस है, ऑफ लोड डिवाइस, और ये कैसी डिवाइस है, ऑन लोड डिवाइस। ठीक है, ऑन लोड पे खोलते हैं किसके, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को, और ऑफ लोड पे मतलब बंद हो जाएगा जब करंट फ्लो होना लाइन से, तब किसके कॉन्टैक्ट को खोला जाता है, आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट। आइसोलेटर खम्भों पर लगे रहते हैं, हाँ खम्भों पर भी लगे रहते हैं, ये एस टाइप के पोल और ये फोर पोल होते नहीं है उन पर ट्रांसफॉर्मर रखा रहता है बीच में, या एस टाइप के पोल है तो वहाँ पे यहाँ पर के लगे रहते हैं, तुमने नीचे से आता देखा होगा, वो भी आइसोलेटर पे लगे रहता है, वो यहाँ पर चढ़ा देते हैं, वही आइसोलेटर।